मृत संजीवनी विद्या के बारे में पहले भी हमारी बात हुई है। मैंने एक वीडियो आपको मृत संजीवनी विद्या के बारे में दी है, और जो मृत संजीवनी है क्या, इसके बारे में हमारी बात हुई है। मृत संजीवनी की जरूरत क्या है आज के समय में? जो मृत संजीवनी की जरूरत है वो क्या है, और क्यों प्रत्येक साधक को मृत संजीवनी विद्या के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारा जब बर्थ होता है, जब हमारा बर्थ होता है, एक बच्चे का जब बर्थ होता है, तो हम खिले फूल से होते हैं। हम एक फ्रेश प्राण लेके आते हैं। अब उसके बाद में, जब हमारा बर्थ के बाद में, अब हमारी लाइफ में आगे 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 एज बढ़ती जाती है, तब अपान रूपी ऊर्जाएं, अपान रूपी एक्सपीरियंसेस, अपान रूपी समस्याएं, अपान रूपी मुश्किलें और अपान रूपी ही संस्कार हम में भरते रहते हैं। तीन हमारी स्टेट्स होती हैं और पांच हमारे मुख्य प्राण होते हैं। मृत संजीवनी विद्या महामृत्युंजय का एडवांस रूप है। अब पहले तो मैं इसे क्लियर कर दूं कि अपान रूपी जो ऊर्जाएं हमारे अंदर क्रिएट होती हैं, वो ऊर्जाएं स्वयं में, स्वयं को डिके करती। हमारी बॉडी का बेस सेल है और सेल्स डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट होते हैं। अग्नि मंद पड़ती है, प्राण कम होता है, शक्ति कम होती है, और फिर धीरे 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 हमारे अंदर वह ऊर्जा का क्षय होता है और हमारी एजिंग शुरू हो जाती है। अब इसको अगर समझना है, मृत संजीवनी विद्या को अगर हमें समझना है, तो मृत संजीवनी विद्या को जानने के लिए हमें यह जरूर जानना होगा कि हमारा प्राण से अपान तक का जो सफर है वो क्या है। अब उसके लिए मैंने आनंद हो प्राण साधना जो है वो पूरी एक सीरीज बनाई है, वो आप जरूर देखें। उसके बाद में मैंने धात्वाग्नि, भूताग्नि, सभी प्रकार की अग्नि आपके अंदर कैसे कार्य करती है, क्या अग्नियां हैं, कैसे कार्य करेंगी आपके जीवन में, कैसे अवस्थित होती हैं अग्नियां, ये सब चीजें मैंने बोली हैं। वो वीडियोज आपको जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। देखिए, एक बच्चे को किसी तरह का भय नहीं होता, डर नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक बुजुर्ग को हर एक चीज का डर हो जाता है। जैसे जैसे आपके अंदर एज, अब छोटे बच्चे को भी तो हम बताते हैं ना कि उत्थे ना जाए, वहां मत जाना, वहां बाबा है ना, वहां चोर है। छोटा बच्चा अंधेरे में भी खेलता रहता है, वो डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार नहीं है। वो संस्कार हम उसमें डेवलप करते हैं। ऐसे ही हमारी एज के साथ में हम बहुत सारे संस्कारों को अपने अंदर डेवलप कर चुके होते हैं। उसके लिए हमारी तीनों स्टेट्स, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस को हम जब समझते हैं, तो सबकॉन्शियस को क्लेंज करना बहुत जरूरी होता है। महामृत्युंजय मंत्र जो है वो आपके अनकॉन्शियस स्टेट तक पहुंचने का रास्ता है। देखिए, हमारे सात एनर्जी सेंटर्स हैं, उनके अंदर लेयर्स होती हैं, और वो लेयर्स जो होती हैं उनके ऊपर डर्ट की लेयर्स आ जाती हैं। आप ये समझ लीजिए, वही हमारी स्किन पे दिखाई देती हैं, वही हमारी बातों में दिखाई देती हैं। अब जब मुझे पता ही नहीं है कि वहां पे जाके कोई नुकसान हो सकता है, तो मुझे पता ही नहीं है, मैं जाता हूं, निर्भय होकर जाता हूं। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा मेरे अंदर क्रिएट नहीं हुई है। महामृत्युंजय मंत्र, मृत संजीवनी तक जाना, शुक्राचार्य ने मृत राक्षसों को, देवासुर संग्राम के बाद मृत संजीवनी के प्रयोग से उनको जीवन दान दे दिया। ऐसे बहुत सारे और भी स्टोरीज हैं। अकाल मृत्यु का हरण होना, अकाल मृत्यु क्या होती है? कोई रिश्ता है, टाइम से पहले खत्म हो रहा है, वो भी तो अकाल मृत्यु है ना। कोई जॉब है जो टाइम से पहले जा रही है, वो भी तो अकाल मृत्यु है ना। कोई और चीज है जो
आपकी लाइफ में घटना घट रही है जो पहले नहीं, वो समय से पहले है। जब मां मरती है तब बेटा भी मरता है, क्योंकि वो रिश्ता मर जाता है। जब पत्नी मरती है तो पति भी मरता है, क्योंकि वो रिश्ता मर जाता है। तो समय से पहले किसी भी रिश्ते का खत्म होना भी अकाल मृत्यु ही है। और इसी प्रकार से हमारे लाइफ की जितनी सिचुएशंस हैं वह अकाल मृत्यु रूपी ही होती हैं। हमारा जन्म और मृत्यु ये फिक्स है। कितने श्वास लेने हैं और कितने श्वास हमें छोड़ने हैं, ये सब फिक्स है। अकाल मृत्यु का अर्थ है कि उतने श्वास लेने से पहले किसी का मृत्यु हो जाना, या फिर उतनी टाइम के बीच में अगर कोई रिश्ता खत्म हो गया तो वो अकाल मृत्यु है। और जब ऐसी सिचुएशन लाइफ में क्रिएट होती है तो व्यक्ति जो है वो अपने आप में टूट जाता है। मृत संजीवनी मंत्र महामृत्युंजय का एडवांस लेवल है, और उस तक पहुंचने के लिए आपको महामृत्युंजय की साधना करके ही वहां तक पहुंचना होता है, गायत्री साधना करके ही वहां तक पहुंचना होता है। किसी भी चीज की शुरुआत किसी बीज से होती है, बीज से ही फल लगते हैं, और वह मृत संजीवनी मंत्र, मृत संजीवनी ऊर्जा, मृत संजीवनी की शक्ति, वह फल है। अब इसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। मंत्र क्या है, मंत्र की शक्ति क्या है, कैसे है, ये सब बातें हम करेंगे। साथ में जुड़े रहिए और जीवन में उच्चता प्रतिष्ठा प्राप्त कीजिए। मंत्र मन की विद्या, मन में त्राही, मन में ही तृप्ति और मन का ही कंट्रोल। यू हैव टू हार्नेस योर एनर्जी व्हेन यू वांट टू ग्रो एंड यू हैव टू हार्नेस योर एनर्जी व्हेन यू हैव टू लुक बैक, व्हेन यू हैव टू स्टेबलाइज योरसेल्फ। आपको अपनी ऊर्जा पे लगाम लगानी पड़ती है और वो मन को जाने बिना नहीं हो सकता। किसी भी मंत्र की साधना हर व्यक्ति कर लेता है, परंतु उस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जो जरूरी है वो हम भूल जाते हैं। योग, ध्यान, केवल मंत्र जाप कर लिया, उसके बीच में जो जरूरी है वो। तो केवल मंत्र जाप नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आनंदों के साथ जुड़े रहिए, कम्युनिकेट करते हैं।